शासन प्रशासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके भी लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है और लोग जल संरक्षण के लिए अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते जल संरक्षण का यह अभियान महज कागजों में सिमटता नजर आ रहा है। प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में शासन प्रशासन, नेतागण व समाजसेवियों सहित जागरूक नागरिकों के द्वारा जल संरक्षण को लेकर तरह तरह के कसीदे गढ़े जाते हैं। जल को व्यर्थ बहाने से रोकने की बातें कही जाती है, वहीं जल को बचाने के लिए तरह तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन जल के संरक्षण के लिए बने नियमों का पूर्णतः पालन होता कहीं नजर नहीं आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, जिसकी अनिवार्यता को लोग हल्के में ले रहे हैं और जहाँ तहाँ इस नियमों को ताक में रख धड़ल्ले से नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जहाँ लोगों के द्वारा नए भवनों का निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन उन भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया जा रहा है, जिसके चलते अनिवार्य वाटर हार्वेस्टिंग का यह नियम सरकारी फाइलों की शोभा बना हुआ है। हालांकि नगरपालिका ने नए बन रहे मकानों के लिए गाइडलाइन तय कर रखी है, पर इसका कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा है। केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई शासकीय कार्यालयों में भी अनिवार्य वाटर हार्वेस्टिंग के इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नगर में महज गिने चुने शासकीय कार्यालयों और आम लोगों के घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ नजर आता है। जल संरक्षण के लिए नगर पालिका द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व सभी शासकीय कार्यालयों में नोटिस जारी कर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आज भी ऐसे कई शासकीय कार्यालय हैं जहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है। सवाल यह है कि जब सरकारी महकमा ही वाटर हार्वेस्टिंग के इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर आम लोग भला इस नियम का पालन कैसे करेंगे? वहीं इस नियम को लेकर लोगों में जन जागरूकता कैसे आएगी? मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि बिल्डिंग निर्माण करने वाले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग बिल्डिंग की परमिशन ले रहे हैं और जिन्होंने अभी तक बिल्डिंग की परमिशन ली है, हम उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए निर्देशित करेंगे। साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों को आदेश दिया जाएगा कि वे इस बात की निगरानी रखें कि निर्माणकर्ता बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहा है या नहीं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बिल्डिंग की परमिशन लेने के बाद भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाता है, तो उसकी बिल्डिंग परमिशन रद्द कर दी जाएगी, वहीं उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो हार्वेस्टिंग की हम बात कर रहे थे, उसमें अब तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। नगर पालिका पैसे तो जमा कर रही है, लेकिन लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगा पा रही है, क्या है? मैं बिल्कुल, आपने अच्छे बिंदु के ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है नगर पालिका का। मैं अपने 3 इंजीनियरों को इसकी तरफ ऐसा मतलब आदेश दूंगा, उनको निर्देश दूंगा कि आप जाएं, जो बिल्डिंग परमिशन दे रहे हैं आप लोग, तो उसके अंतर्गत उन घरों में वाटर हार्वेस्टिंग का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। अगर नहीं किया जा रहा है तो उन पर हम उनकी बिल्डिंग परमिशन को निरस्त करेंगे अथवा उन पर जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका कुछ पैसे भी जमा करती है वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर, लेकिन देखने में ये आता है कि जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है, मकान मालिक नहीं लगा पाता, उसके बाद भी नगर पालिका नहीं लगाती। अब तक कितनी एक आध बिल्डिंग बता सकते हैं जिसमें नगर पालिका लगाई हो पैसे जमा करने के बाद भी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस संबंध में हम इसको कठोरता से इस पर कार्रवाई करेंगे और फिलहाल हमने जिन्होंने बिल्डिंग परमिशन के अकॉर्डिंग अपने भवनों का निर्माण नहीं किया है, स्पेशली जो मेन रोड के घर हैं उन्होंने अपनी पार्किंग नहीं छोड़ी है, ऐसे 170 लोगों को मेरे द्वारा नोटिस जारी किया गया है और IGM कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट में भी उनके खिलाफ मैं केस दायर कर रहा हूँ।